गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें सुधा यादव, बिप्लब देव, ओपी धनखड़, तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं। और इस बैठक में चर्चा 2024 के चुनाव को लेकर की जा रही है, तैयारियां किस तरह की हो उसी को लेकर इस बैठक में चर्चा। तो वहीं सरकार की योजनाओं को किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर भी मंथन किया जा रहा है। तो कई अहम मुद्दे जो कि इस बैठक में डिस्कस किए जा रहे हैं, और उसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा 2024 को लेकर, यानी कि 2024 की तैयारियां किस तरह की हो, उस पर पूरा फोकस बीजेपी का है। सिर्फ प्रदेश बीजेपी की बात ना कर पूरी बीजेपी दल की बात की जाए तो लगातार तैयारियां 2024 की जा रही हैं। और अब हरियाणा में भी इन्हीं तैयारियों को देखते हुए प्रदेश बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, लगातार बैठकें की जा रही हैं, बैठकों में चर्चा हो रही है, और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मोर्चा संभाले हुए हैं। इस वक्त भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा 2024 को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकाल वो प्रदेश कार्यकारिणी थी, जिसमें कि हमें जो बजट सत्र में किसानों के लिए स्पेशल जो रखा गया है इस बजट में, वो जनता तक उसको पहुंचाने के लिए सभी गुरु ज्ञान दिए गए और बताया गया कि आपने किस किस प्रकार से जनता के बीच में जाके इन सभी विषय में बताना है। ये संगठनात्मक बैठक है प्रदेश कार्यकारिणी की, तो इसमें आज हमारे मोटे अनाज पे और जैविक खेती पे हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे महानुभावों ने इस पर विचार दिए। माननीय श्री जेपी दलाल जी ने भी काफ़ी जोर दिया इस पर, और जो हमारे पुराने प्राकृतिक खेती थी उस पर भी बहुत ध्यान दिया। ये बेसिकली तो जो मीटिंग हुई है ये है हमारी आगामी चुनाव को लेके, जिसमें हमारे चार अभी नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं और फिर 2024 के चुनाव। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता नीरज अम्बावता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 2024 की तैयारियों में प्रदेश बीजेपी जुटी हुई है, उसी को लेकर आज एक बड़ी खास बैठक हुई, जरा बताएं क्या क्या चर्चा, किन किन मुद्दों को लेकर डिस्कशन बैठक में रहा? जी बिल्कुल, देखिए अगर बैठक की बात करें तो हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा की ये बैठक है, और इसमें पूरे प्रदेश भर के तमाम बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े तमाम वो लोग हैं, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी के हो या फिर हरियाणा के तमाम जिलों के जिला जो अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, और उनके अलावा जो महामंत्री हैं तमाम जिलों के किसान मोर्चा के, उनको बुलाया गया है। और मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का बजट आया था और इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ आया और किस तरह से इस बजट के जरिए किसानों को फायदा हो सकता है, उनको समझाने की कोशिश बीजेपी के तमाम हरियाणा के बड़े नेताओं की है, ताकि ये जो किसान मोर्चा यूनियन है ये घर घर जाकर किसानों के घर तक पहुंचकर उनको समझाने में कामयाब रहे कि किस तरह से बीजेपी लगातार किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रही है और कैसे वो सरकार की योजनाओं और नीतियों का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अगर नेताओं की बात करें तो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल यहां पहुंचे थे, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा हरियाणा के जो बीजेपी के प्रभारी है वो यहाँ पहुंचे थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर जो सुधा यादव है वो यहाँ मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर कहे कि तमाम बड़े नेताओं ने मोर्चे से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को ज्ञान मंत्र और गुरु मंत्र दिया है कि किस तरह से 2024 की तैयारी, क्योंकि लगातार जो यहां लोग पहुंचे थे उनका यही कहना था कि जो अलग अलग सेशन चले उनमें 2024 के लिए तैयार करने का मंथन दिया गया कि किस तरह से 2024 की तैयारी अभी से शुरू करनी है और कैसे पार्टी को आगे उठाना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, और कैसे किसान संगठन के साथ साथ किसानों को पार्टी में शामिल कराना है और पार्टी के साथ लेकर किसानों को 2024 में पूरे जो है भारत भर के साथ साथ जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनमें किस तरह से कमल खिलाना है। जी शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।